फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लांट जो कि समर्स में सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल होता है, इसका नाम है कोलियस। मैं ये बताऊंगी कि इसको समर्स में कैसे आप इसको रख सकते हैं ताकि ये आपका विंटर्स तक चलते रहे, और विंटर्स में तो अपने आप ये कलरफुल हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो इनफैक्ट एनी सीजन में ही ठीक होने लग जाते हैं। तो समर्स में देखिए, ये कई तरह के आते हैं कोलियस। ये एक कलर है, ये ग्रीन एक कलर है, इसकी फोलियज देखिए, इसमें मजेंटा कलर भी है और ये ग्रीन है टोटली। और मैंने अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है। ये एक इसमें है, हैंगिंग पॉट में है, ये एक और एक हैंगिंग पॉट में है। दूर से देखते हैंगिंग पॉट्स बहुत सुंदर लगते हैं। ये एक मेजेंटा कलर देखिए, कितना ब्राइट कलर है। ये ग्रीन, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन है। ये ग्रीन देखिए कितना अच्छा वाइब्रेंट है। तो इसके बारे में बताती हूँ, इसको कैसे करना है बुशी और कैसे एक सिंगल स्टेम लैंकी ना हो जाए। इसमें फ्रेंड्स, थोड़ा हिम्मत करके आप इसकी पिंचिंग कर दिया करिए। जैसे ये टॉप है इसका, मैंने ये तो पिंच किया हुआ है, ये दिखाती हूँ। देखिए ये आ रहा है ना, इसको पिंच कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा पिंच कर दीजिए। ये शुरू हुआ है उगना, इसको भी थोड़ा सा पिंच कर दीजिए। ये इसको भी पिंच कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे यहाँ से दो तीन स्टेम्स निकलने लगेंगी। ऐसे हो, ऐसे करने से ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पिंच किया था तो ये दो स्टेम हो गई हैं। अब मैं इसको एक और बार यहाँ से स्टेम को काट के लगा दूंगी। ये भी मैंने छोटे लगाए हैं ऐसी पिंच कर करके। तो पिंचिंग करने से ये अच्छे ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी सारी स्टेम्स आ जाती हैं। और इसकी केयर के बारे में ये मॉइस्चर लविंग है, तो इसकी पॉट कभी भी ड्राई ना होने दे। सब में देखिए थोड़ा मॉइस्चर है, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो, मगर ये हैंगिंग पॉट्स में भी स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि ये ना ड्राई ना हो, क्योंकि हैंगिंग पॉट थोड़ा हवा में रहते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और जब इसको आप वाटर करें तो इसको शावर भी कर दीजिए। तो ये पॉटिंग सॉइल इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इन्फेस्टेशन इसमें बहुत रेयरली होता है। और मेन ध्यान इसका बस ये रखना है कि इसको थोड़ा शेड लविंग है, इसको शेड में रखना है और इसका पॉटिंग सॉइल को कभी भी एकदम ड्राई ना होने दें। शेड में मतलब नेट के नीचे रखें या फिर इसको ट्री के नीचे रखें। और जब सीजन में आपको लगे कि समर्स आने वाली है तो इसको छोटी छोटी कटिंग काट के इसकी प्रोपोगेट कर दीजिए। इसकी इजीली रूटिंग हो जाती है कटिंग से, खाली काटिए इसको, इतना काट दीजिए, इतनी स्टेम काट दीजिए और थोड़ी थिक सी जो थोड़ा रूटिंग हार्मोन लगाइए और लगा दीजिए कटिंग को। ये वाला पॉट मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, थोड़ा सा कटिंग काट के। तो बहुत इजी है इसकी प्रोपोगेशन और इसको मेंटेन करना समझ में। शेड लविंग है तो शेड में रखिए और इसको मॉइस्चर देते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हैंगिंग पॉट्स और पॉट्स में कोलियस का, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।